हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज थर्सडे है, 26 मई। वेलकम टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैंने अपना वीडियो अब स्टार्ट किया है क्योंकि बाबू को थोड़ा एक दो बार उल्टी हो गया था, तो थोड़ा उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना वीडियो आज लेट स्टार्ट की हूँ। आज ये गाँव जाने वाले हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसमें बाबू का तबीयत भी ख़राब है और ये भी गाँव जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो लेट स्टार्ट की। इनके फ्रेंड की शादी है तो आज जाएंगे, रात का ट्रेन है इनका इनका 11:30 बजे का ट्रेन है तो 10 बजे निकलेंगे। इनका रिटर्न टिकट है 7 तारीख को है, 7 जून को है। अगर हो सके तो ये पहले आ जाए या फिर 7 जून को ही आए, देखो कब आते हैं। बाबू को उल्टी रात को एक दो बार हो गई थी, थोड़ा टेंशन हो गया था कि इसको उल्टी क्यों होने लगा अचानक से। बच्चा है ना, थोड़ा डर लगता है और टेंशन भी हो जाता है कि उल्टियाँ क्यों हो रही है। सुबह तो नॉर्मल हो गया, वो सुबह उल्टी नहीं हुई, रात में 2 बार खाली हुआ था। आज सुबह बहुत काम था और थोड़ा मुझे बाबू पे भी ध्यान देना था। अभी इनका पैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है, ऑफिस से आएंगे उसके बाद सब पैकिंग करेंगे जो इनको ले जाना होगा। वैसे तो मैंने कुछ कपड़े निकाल के रख दिए हैं जो मुझे बोले थे, मैं वो निकाल के रख दी हूँ, बाकी पैकिंग तो वही करते हैं। क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो अपना आएंगे तो अपना देखेंगे। चलती हूँ, तब तक मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ। ये बोले कि आलू की कचौड़ी ले जाऊंगा मैं खाने के लिए ट्रेन में। अभी अकेले ट्रैवल करते हैं तो इतना कुछ खाते ही नहीं है, मतलब मुश्किल से एक बार खा लिए तो खा लिए, नहीं तो नहीं खाते। अगर मैं साथ में रहती हूँ तब ये खाते पीते चलते हैं वैसे, क्योंकि मैं तो खाती ही हूँ, मेरी आदत है खाने की। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं खाते पीते चलती हूँ रास्ते भर, मेरी आदत है। और ये इतना नहीं खाते, लेकिन हाँ जब मैं साथ में रहती हूँ तो ये भी खाते हैं मेरे साथ में। बोले हैं मुझे सिर्फ आलू का पूरी बनाना, मैं बोली कुछ भाजी बना दूँ, पनीर की भाजी ऐसा कुछ ग्रेवी टाइप में। तो बोलते हैं नहीं, सिर्फ आलू की पूरी बनाना। वैसे भी रात को तो खा के ही जाएंगे, कल सुबह में खाएंगे रात में खाएंगे, तो कल मुझे लगता नहीं है कि कल ये खाएंगे, एक आध बार खा लेंगे तो खा लेंगे, उसके बाद तो इनको फोन मिल जाए, तो अगर इनको फोन मिल जाए तो इनका ट्रैवलिंग आराम से निकल जाता है। मतलब फोन चलाते चलाते गाँव पहुंच जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा मैं कब पहुंच जाऊँ। बाबू सो के उठ गया है, बाबू को लग गई है भूख, बाबू दूध देख रहा है, मम्मा दूध दे दो, बेटा को भूख लग गई है। बाबू जैसे ही उठता है उसको दूध चाहिए रहता है, मैं बाबू को दूध दे देती हूँ। बाबू को दूध दे दी हूँ मैं, बाबू पी रहा है, तब तक मैं चलती हूँ आलू रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। बीटू पी लो, दूध पी लो, रोते नहीं बच्चा? नहीं रोते, ऐसे नहीं करो, नहीं रहते बाबू, पी लो पी लो भाई बच्चा। और आटे में ये अजवाइन डालूंगी और थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि कचौड़ी खस्ता बने। बाबू जाओ बाहर फेंको यार, लग जाएगा। इसमें अजवाइन नमक और तेल डालूंगी। किचन में इतना धूप आता है कि गर्मी से एकदम बुरा हाल है मेरा, आप देख सकते हैं कितना धूप है। अगर 10 मिनट भी खड़े हो जाए ना यहाँ पे तो पसीने से डूब जाएंगे। और धनिया मैंने चॉप करके रख लिया है। ये मैंने आलू छील के रख लिए हैं और ये लहसुन मिर्ची पीस ली हूँ, धनिया भी मैंने चॉप कर लिया है,
और आटा भी गूंथ के रख ली हूँ मैं। मैं नमक डाल दूंगी, हल्दी डालूंगी, मेरे पास चिकन मसाला है मैं डाल दूंगी, बॉईल आलू डाल दूंगी इसमें। आलू ठंडा हो गया है तो मैं चटनी बना लेती हूँ। मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है गर्मी से। ये एक बार का बन गया है, मैं निकाल लेती हूँ। मेरे आलू की कचौड़ी बन के रेडी हो गया है, मैं इनको भी दे दी हूँ, थोड़ा सा गरम गरम खा ली है। मैं आलू की कचौड़ी बोलती हूँ, ये आलू की पूरी बोलते हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि आलू की पूरी बोलते हैं या कचौरी बोलते हैं। इनके साथ रहते रहते मैं भी आलू की पूरी बोलने लगी, नहीं तो मैं आलू की कचौरी बोलती थी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा दाल चावल लगा दूँ, क्योंकि आज भी आलू कचौरी खाएंगे, कल भी वही खाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो थोड़ा सा दाल चावल खा लेंगे तो सही रहेगा। मैं गैस पर दाल चढ़ा दी हूँ, अब जाए थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी और पूजा करूँगी। बाबू के लिए मैंने ऑनलाइन क्लीनिंग वाइप्स मंगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, और मुझे इनका खाना पैक करना है, पैक कर देती हूँ क्योंकि इनका जाने का टाइम हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल करना। तब तक के लिए बाय।